84 कोसी परिक्रमा करते साधु संतों की टोली और गृहस्थ जन नाचते गाते और भजन कीर्तन करते कटराकुटी धाम पर अंतिम विश्राम हेतु रुके। इस परिक्रमा का समापन अयोध्या स्थित सीता कुंड पर स्नान एवं कार्तिकपुरम में रामकथा चर्चा एवं पूजन के साथ होगा। अंतिम पड़ाव हेतु यात्री कटराकुटी धाम रुके। महंत चिन्मयानंद जी महाराज एवं हिंदू युवा वाहिनी अध्यक्ष शारदा कांत पांडे द्वारा साधु संतों का स्वागत करके भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान 84 कोसी परिक्रमा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संचालक श्री महंत गयादास जी महाराज के द्वारा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर अवैध कब्जा को लेकर एक ज्ञापन चौकी लड़क मंडी प्रभारी कटरा को सौंपा गया। 84 कोसी परिक्रमा का उद्देश्य क्या है? 84 कोस परिक्रमा का उद्देश्य यह है कि यान कांचा पापान जन्मांतर की चांचा तान सर्वान नसन प्रदक्षिण पदे पदे, जिस प्रकार भगवान की प्रदक्षिणा करने से सांसारिक पापों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार जो मानव 84 लाख जोनियों में जन्म लिया है और 84 लाख जोनियों से उबर के आया है, मानव जोनि 84 लाख जोनि में नहीं है, तो जो मनसा बाचा कर्मणा से एक बार भी 84 लाख की मैंने 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है, वो पुनर्जन्म उसका 84 लाख योनियों में, ऐसा नहीं कि कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार एक निमित्त सरजू बसे तुलन तुलसीदास, अयोध्या जो पूरे काना से राष्ट्र का सरताज है, इसकी परिक्रमा जो एक बार कर लेता है उसका पुनर्जन्म जन्म संसार में नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। अगर किसी प्रकार त्रुटि होती भी है इनके इन प्रकारें, तो उसका पुनर्जन्म फिर मानव का होता है कर्म करने के लिए, कर्म करके फिर अपना उद्धार करें, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो न पाए परलोक समारा। अरे जीव पशु पक्षी और जानवर ये तो अपनी मुक्ति नहीं बना सकते हैं, लेकिन मानव ज्ञानी पुरुष है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा गोस्वामी जी ने लिखा है, जो ऐसी शरीर मानव शरीर को पा करके अपने शरीर को धन्य न बना सका और अपने मोक्ष के मार्ग को न सुधार सका, तो भविष्य में ऐसा कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। जी ये बताएं, हाँ, कि अयोध्या का लोकप्रिय 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा है, जितना लोकप्रियता उतना 84 कोस में क्यों नहीं रहता है? भैया 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा एक दिवसीय होता है, एक दिन का समय हर व्यक्ति निकाल सकता है, लेकिन ये 84 कोस परिक्रमा गर्मी के समय में होता है, भीषण गर्मी में होता है, उसी दिन कटनी होती है। अगर किसान परिक्रमा करने निकल जाएगा अपने खेत को नहीं संवारेगा, खेत को नहीं अमलित नहीं हो पाता है, क्योंकि भीषण गर्मी के समय होता है और कटनी के समय ये परिक्रमा होता है। महाराज जी 84 कोस परिक्रमा में क्या व्यवस्था शासन द्वारा क्या आपको सुविधा मिली? भैया 84 कोस परिक्रमा का मांग कर रहे थे, लेकिन शासन ने सुना हम लोगों की विनती, स्वीकार की और नितिन गडकरी जी के द्वारा 8 फरवरी को घोषणा भी कर दिया गया है, ये इसका नेट पर इसका मॉडल भी आ चुका है कि कहाँ क्या बनना क्या नहीं बनना है। मैं शासन के को धन्यवाद देता हूँ कि शासन चुनाव के बाद जल्द से कार्य को प्रारंभ करे। महाराज जी एक बात यह बताएं कि 84 कोस परिक्रमा में कई गुटों में जो है ये परिक्रमा किया गया, इसका क्या मतलब है? मुंडे मतरी भिन्ना, हमारे समाज में जितने लोग हैं उतनी विचारधारा के हैं, उनको सभी को एक परिवार में अगर काना से 2 भाई हैं 4 भाई हैं तो सब एक विचारधारा के नहीं हैं, उसी प्रकार हमारे समाज में भी हैं तमाम विचारधारा के लोग हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा, सबसे वंदन करूंगा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन नगरी की परिक्रमा है, और उन लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी की परिक्रमा आप कर रहे हैं तो आप भी मर्यादित रूप से परिक्रमा करें, अलग अलग जत्थे न बनाएं। अगर एक साथ चलेंगे तो 4 किलोमीटर की लाइन लगेगी, दूर दराज की जो जनता है गांव वासी जनता है वो देखने के लिए हर्षित होंगे, उत्साहित होंगे, उनका उत्साह वर्धन होगा और वो लोग भी इस परिक्रमा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आज जहाँ हम 1000 की संख्या में चल रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि 10000 की संख्या परिक्रमा कोई लोग करेंगे। ये अलग अलग चल रहे हैं, क्या कोई मतभेद आपसी मतभेद की वजह से चल रहे हैं, क्या कारण है? ऐसा जो अलग अलग चल रहे हैं उनके विवेक की बात वो माने गहराई तक सोच नहीं पा रहे हैं कि इस परिक्रमा की गरिमा क्या है। ये परिक्रमा जो है त्रेता में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान राम का पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न हुआ था। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। त्रेता काल में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मखौड़ा मख स्थान मनोरमा में चाहे माने श्रृंगी ऋषि के द्वारा भगवान राम का पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न हुआ था। चारों भाई की उत्पत्ति वहीं है। उस समय अयोध्या के चतुर्दिश घोर जंगल था, अयोध्या के 4 फाटक है
उत्तर में है मखौड़ा मख स्थान मनोरमा, पूरब में है श्रृंगी ऋषि का आश्रम, दक्षिण में है महाराज परीक्षित का आश्रम, पश्चिम है अगस्त मुनि का आश्रम। ये चार फाटक चारों दिशाओं में है, यही हमारी 84 कोस परिक्रमा की परिधि है। जिस जिस माने अवतार के पहले जो हमारे संत महात्मा जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, अवतार की प्रतीक्षा करते थे, जब रामा अवतार हुआ है तो भगवान राम ने संकल्प किया है कि निश्चर विध्वंस करो मैं भुज उठाए पर पणकीन और सकल मुनिन के आश्रम प्रभु जाए जाए सुख दीन। तो जिस मार्ग से होकर के हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जानकी लक्ष्मण जी गुजरे हैं, वो 84 कोस परिक्रमा की परिधि बनी है, उसी को सातवीं सीमा भी कहा जाता है। धन्यवाद। चलिए अध्यक्ष जी, आप ये बताएं कि 84 कोस परिक्रमा में जितने श्रद्धालु थे, इनके आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई? आज के द्वारा तो स्वागत हुआ है, हम हिंदू रानी की तरफ से स्वागत हुआ, अगली बार वहाँ पे रास्ते में स्वागत हुआ है। ये मैं आश्वासन देता हूँ, जितने भी हमारे देवतुल संत महात्मा और माताएं बहनें आई हैं, अगली बार जब हमारे गोंडा जनपद में आएंगे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और ये बखान करेंगे, सब कहेंगे कि हाँ इस बार गोंडा जनपद में सबसे नंबर एक की व्यवस्था 84 कोसी परिक्रमा के संतों का हुआ। ये मैं दावा करता हूँ, ये बिल्कुल आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100% ये व्यवस्था होगी। इस बार जो भी चुनाव संबंधी या क्या है कार्यकर्ता व्यस्त थे, उसमें जो भी टूटी हुई है मैं इन लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और 14 पड़ाव पे होगा, 14 पे दिव्य व्यवस्था होगी, 2400 पे दिव्य व्यवस्था होगी। आपको महाराज द्वारा विज्ञापन दिया गया है, मैं इसको अपने उच्च अधिकारियों तक इनका ज्ञापन पहुंचाऊंगा और इनकी जो लिखी हुई बातें हैं उसके बारे में उनको बताऊंगा कि इस तरह इनकी समस्या है उसको जल्द से जल्द और अतिक्रमण मुक्त करने का पूरा प्रयास वही जल्द से जल्द।